मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसा प्रभु ख्रीष्ट ने हमें सिखाया है। सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तो तेरा समान महिमा अनंत है।
प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगों युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में स्वर्ण जयंती के अवसर पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शोक नहीं हूँ, तू तो करे आत्मा न्याय, तीन दे भी सब कर दे, आदरी आत्मा शमी हो जाएगी।
Thank you.
Thank you.
नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सबको जय यीशु। सोम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुश पर्व। आज के इस दिन में मैं पल्ली के नाम पर धन्यवाद की दोषत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद जिन्होंने आज का इस दिन को अपने आशीर्वाद से भर दिया। भरा कि नहीं? ऊपर से भी आशीर्वाद मिला बार बार, लेकिन हम नहीं भींगे ना। देखिए ईश्वर का आशीर्वाद है। आज पल्ली के स्वर्ण जयंती को सफल होने में ईश्वर ने अपनी महती दया दिखाई है। परमेश्वर के लोग धन्यवादी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कितना दिया गया है। परमेश्वर के लोग धन्यवादी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कितना दिया गया है। ईश्वर ने इन 50 वर्ष में इतना दिया कि इतना दिया है ना। तो ईश्वर ने हम सबों के लिए बहुत दिए हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद। मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हाथ ऊपर उठा के ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आप सबों को भी धन्यवाद हाथ उठाने के लिए। मैं हमारे धर्माध्यक्ष मान्यवर बिशप क्लेमेंट तिर्की जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमारी निमंत्रण को सहज स्वीकार किए। और जो भी कि उनका कार्यक्रम अन्य जगह था उसे कैंसल करते हुए हमारे लिए आज समय दिए और पधारे। हम उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद दिनी संविधान सुंदर रूप से और भक्ति भावना से चढ़ाने के लिए प्रार्थना करने के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर उन्हें हम धन्यवाद। हम बिशप विंसेंट आयंद बागडोगरा के धर्माध्यक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुतों को मालूम नहीं होगा कि वे जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किए गए, लेकिन बाद में उसे खींचतान के बागडोगरा के लिए बिशप बनाया गया। तो वे हमारे डायसिस के ही हैं और हमारे बीच में उसी मौनी भावना से आए कि मैं अपन आयो कर घर आई हूँ, तो ऐसा अनुभव वे करते हैं। इसलिए जैसे ही मैंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे स्वर्ण जयंती में अवश्य आइए, और वे सहज स्वीकार किए और उन्होंने हम सबों के लिए ईश्वर के वचन को तोड़ा और हमने सुना मानव से किसकी ओर जाना है, इंसानियत की ओर जाना है, मानवता से ईश्वरीयता की ओर जाना है। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन उन्होंने सुनाया और आज पूरा दिन हमारे साथ है और पहले से तैयारी करते आए हैं और वे मुझे याद दिलाते थे और मैं उन्हें भी याद दिलाता था। तो आज हमारे बीच में है, इसलिए हम उन्हें सभी सहयोग के लिए और सुंदर प्रवचन के लिए और हमारे इस स्वर्ण जयंती के धन्यवाद मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं। हम सभी फादर दयाकिशोर बरुआ को विशेष धन्यवाद देते हैं अपनी उपस्थिति के लिए, प्रार्थना के लिए। सभी पुरोहितों को जो इस पल्ली में पल्ली पुरोहित रह चुके हैं अथवा सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में काम किए हैं और आज उपस्थित कुछ लोग नहीं हैं और कुछ लोग हैं, और जिन्होंने अपने प्रार्थना त्याग के द्वारा पल्ली को आगे ले चलने में मदद की और आज के इस दिन में उपस्थित हुए सभी पुरोहितों को एवं धर्म बहनों को धर्म बंधुओं को पल्ली वासी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना बहुमूल्य समय देकर आज के इस दिन को
अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद प्रदान किए हैं। अतः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार से ताली बजाएं। हमारे सभी मेहमानों, पंचायत प्रधान बिना गुड़िया आउटपोस्ट से आए सभी पुलिसकर्मी, वरिष्ठ नेतागणों, चबगान के मैनेजर्स, जो पानी, लकड़ी व अन्य सुविधाएं प्रदान की, आने जाने की भी सुविधाएं प्रदान की हैं, पंडाल बनाने और सजाने वाले भाई प्रताप को, उनकी टीम को और शुभचिंतकों को, विभिन्न पल्ली से आए डोनर्स और आप सभी को जो अपने सहयोग, उदारता और यहाँ उपस्थित होकर जुबली की सुंदरता बढ़ाए हैं, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पल्ली के प्रत्येक माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों को, गांव बगान के पंच प्रचारकों को, जिनकी अगुवाई के बिना आज का जुबली असंभव था, महिला संघ की माताओं, युवा संघ के कर्मठ भाई बहनों, वॉलंटियर्स, जुबली कमेटी के प्रेसिडेंट इलियस और उनके सहयोगी, अन्य सदस्य, जुबली के सभी डिपार्टमेंट्स, उनके लीडर्स, पल्ली काउंसिल के प्रेसिडेंट राकेश और अन्य काउंसिल मेंबर्स और कोयर टीम की अगुवाई रुष्मा अरुण, सिस्टर लिली और कोयर टीम तथा स्वच्छता दान देने वाले सभी भाई बहनों को आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार, प्रार्थना और हर प्रकार के सहयोग से जुबली का दिन मंगलमय दिन रहा। सभी मंडली के परिवार को सब कुछ के लिए धन्यवाद। साज श्रृंगार वेदी सजावट सिस्टर लिली और ज्योति के अगुवाई में किया गया। कॉन्वेंट से सिस्टर लोग आए, इतना तक कि विजिटेशन सिस्टर्स भी सहयोग के लिए आए और माता पिताएं आए, भाई बहनें आए, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मिशन उद्यान के दौरान न्यू डुअर्स डिवीजन का परिघाना प्रवेश मार्च चार बगानों से किया गया था, बिनागुड़ी, हल्दीबाड़ी, तेलीपाड़ा, अम्बाडी पास से बाइबल जुलूस और चढ़ावा होली क्रॉस के बच्चों के द्वारा, महाया आरती न्यूडोस के द्वारा और विसर्जन मार्च के लिए तैयार हैं बसा लाइन, याकटा बसा लाइन। आप सबों के सुंदर नृत्य और हमारी स्वर्ण जयंती के मिस बलिदान को और अधिक भव्य और धार्मिक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इन सबों के लिए जोरदार से ताली बजा देंगे। खाने का प्रबंध के लिए बहुत जो जोरदार तैयारी चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हम लोग अपने हाथ में थाली लिए हैं। तो खाना प्रबंध हो गया है, लेकिन सूचना के तौर पर मैं बता दूं, अभी खाना का वितरण नहीं होगा, इसलिए बहुत कोई लाइन में चले गए हाथ छोड़ के, है ना, परम प्रसाद ग्रहण करके उधर खाने चले गए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि लाइन को छोड़ दीजिए, अभी शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोगों के पास और कुछ समय है स्वागत प्रोग्राम के लिए, एक दो स्वागत प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, उसके बाद में खाना भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कृपया ख्याल कीजिएगा। खाना का प्रबंध सबों ने मिलकर किए हैं और मैं चाहूँगा इसका स्वाद सब कोई चख के ही जाएंगे। तो आप हम सभी को बाहर से, दूर दराज से, गांव घर से, बगान बस्ती, जहाँ कहीं से भी आए हैं, हम लोग जुबली का जो प्रेम स्वरूप खाना तैयार किया गया है परिश्रम और मेहनत के द्वारा, उसे हम लोग अवश्य ग्रहण करके ही जाएंगे। सूचना के रूप में मरम्मति शादी वचन दत्त कल से आरंभ होगी, 13 नवंबर तक चलेगा, 14 नवंबर से 18 नवंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय रहेगा, शादी उपवास होगी और 19 नवंबर को शादी होगी। अन्य सूचनाएं बाद में दी जाएगी और प्रचार कंप्लीट दी जाएगी। तो और एक बार आप सबों को जय यीशु, खुश परब। अभी हम लोग अंतिम बात,
अंतिम प्रार्थना के पहले मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद हमारे बिशप स्वामी कटोरा के धनराज। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तो अपने संस्कारों द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य पोषित और दृढ़ करता है। इस स्वर्गीय भोजन से तृप्त होकर हम तेरे प्रेम के मार्ग पर चलें और अपने विश्वास इस संजयंती के दिन से और भी ज्यादा मजबूती की ओर बढ़कर प्रभु की कलीसिया को सुंदर बनाने में योगदान कर सकें और मानव समाज के लिए जीवनदायक खमीर तथा मुक्ति के साधन बनते जाए। या कृपा दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्रात्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। स्वर्ण जयंती इसके बाद में ही